देवरिया पहुंचने से पहले दिखी अखिलेश की हनक, रातों रात हुआ ऐसा काम कि होने लगी चर्चाएं, अखिलेश के आने से पहले ही बन गई टूटी सड़क। उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में अखिलेश यादव के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले लोक निर्माण विभाग सड़क को चमकाने में जुट गया है। बैरिया चौराहे से फतेहपुर गांव की तरफ जाने वाली 500 मीटर की सड़क का नवीनीकरण आनन फानन में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड द्वारा कराया गया। आनन फानन में सड़क बनाने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि इसमें सड़क बना रहे एक कर्मी ने बताया कि इस सड़क का टेंडर पहले ही हो चुका है, सड़क बन चुकी है, केवल 500 मीटर की दूरी का निर्माण बचा था जिसे कराया जा रहा है। दूसरे कर्मी ने बताया कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, इसलिए सुबह से यह सड़क बनाई जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि इस सड़क का टेंडर हो चुका था, इसे कंप्लीट भी हो जाना था, अखिलेश यादव के आने से ठीक एक दिन पहले ही सड़क को क्यों बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आने के एक दिन पहले सड़क को चमकाया जा रहा है। बता दें कि 2 अक्टूबर से इसी रास्ते से होकर फतेहपुर गांव में लगातार अधिकारियों, नेताओं और योगी सरकार के मंत्रियों की गाड़ियां दौड़ रही, मगर सड़क निर्माण की ऐसी तस्वीर किसी दिन भी नहीं दिखा। अब जब 15 अक्टूबर को अखिलेश के आने से पहले ही दिन रात एक करके सड़क बनाई जा रही है तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।